आत्मा त्वं गिरजामति सहचरा प्राणशरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधे स्थित संचारापदयो प्रदक्षिण विधे स्तोत्राणि शर्वागिरो याध्यात् कर्म करोमि तत्तदखिलं संभोस्तवाराधनम्। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। लेकर इस सप्ताह की भविष्यवाणी, इस सप्ताह किस राशि पर होगी प्रभु की कृपा, किस राशि के जातक ग्रह कार्य में रहेंगे व्यस्त, जीवन में प्रगति के लिए कैसे करें दीपदान, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे किसको मिलेगी सफलता, जानिए इस खास कार्यक्रम भविष्यवाणी में। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि के जातकों का दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, रिश्तों में मधुरता आएगी, यात्रा में किसी मूल्यवान वस्तु के खोने या चोरी होने की आशंका है, सचेत रहें। पुराने मित्रों से भी भेंट होगी, छोटा ही सही लेकिन निवेश की तैयारी अब शुरू करने का समय आ गया है। सकारात्मक विचारों के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरे परिश्रम से प्रयास करें, अन्यथा आपके प्रतिद्वंद्वी आपको काफी पीछे छोड़ सकते हैं। सेल्स से जुड़े लोगों के लिए दिन शुभ रहेगा। अनाज के व्यापारियों का कारोबार थोड़ा धीमा रह सकता है लेकिन निराशा ना हो। अपनों के साथ कोई पुराना विवाद है तो उसे सुलझाने का अवसर मिलेगा। जिद करने के बजाय मामलों के निपटारे पर फोकस करें। आपके लिए उपाय है, आप भैरव महाराज की उपासना करें। आप स्वयं ना कर सकते हो तो किसी गुरुजन के द्वारा कराएं। वृषभ राशि वाले। वृषभ राशि के जातकों के विरोधी परास्त होंगे। स्वास्थ्य एवं प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। लंबी यात्रा सुखद व उत्साहवर्धक होगी। किसी अतिथि का आगमन होगा। कोई जरूरतमंद व्यक्ति दिखे तो उसे अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद जरूर करें। कार्यस्थल पर बढ़ रही जिम्मेदारियों से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा लेकिन दूसरे रोगों के मरीजों को राहत मिलने के आसार हैं। जीवन साथी की भावनाओं का अनादर ना करें, उनके साथ हमेशा सम्मान और स्नेह के साथ पेश आएं। आपके लिए उपाय है, पीपल के पेड़ में शाम को जल चढ़ाएं और तिल के तेल का दीपक जलाएं। मिथुन राशि वाले। मिथुन राशि के जातकों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में किया जा रहा श्रम सार्थक होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कार्यस्थल पर सौंपी गई जिम्मेदारियां समय रहते पूरा करने का प्रयास करें। महत्वपूर्ण कार्यों को कल के लिए टालना ठीक नहीं है। कुटीर उद्योग शुरू करने की प्लानिंग कर रहे लोगों का कारोबार जल्द जम सकता है। पूरी गंभीरता के साथ प्रयास करें। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है। सेहत को देखते हुए देर रात तक जागना ठीक नहीं है, इसलिए अपनी दिनचर्या को लेकर सजगता बरतें, आलस का परित्याग करें। आपका चिड़चिड़ा स्वभाव घर की शांति भंग कर सकता है, इसलिए विनम्र और धैर्य धारण करके दिन को बिताएं। आपके लिए उपाय है, आप अपने सेवकों और सफाई कर्मियों से अच्छा व्यवहार करें, उन्हें किसी भी प्रकार का दान दें। कर्क राशि वाले। कर्क राशि के जातक ग्रह कार्य में व्यस्त रहेंगे। प्रगति के लिए दीप दान करें। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। आपका किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। कारोबारी बड़े पैसे के लेन देन में चूक कर सकते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ कर निर्णय करें। अचानक बदलाव से नुकसान हो सकता है। बदल रहे मौसम को देखते हुए सर्दी जुकाम होने की आशंका है। बुजुर्गों और बच्चों का खास ध्यान रखें। घर के बड़े लोगों के साथ कुछ समय जरूर व्यतीत करें। उनकी जरूरत का सामान भी यथासंभव उपलब्ध कराएं। आपके लिए उपाय है,
कि किसी शनि मंदिर में शनिवार के दिन कटोरी सहित तेल रखकर आ जाएं, इसको छाया दान बोलते हैं, छाया दान करें। सिंह राशि वाले, सिंह राशि के जातकों का दांपत्य जीवन सुखमय होगा, गृह कार्य में व्यस्त हो सकते हैं, आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा, रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा और संबंधों में निकटता आएगी, धार्मिक यात्राओं का योग बनता दिख रहा है। यदि आपको ऐसा मौका मिले तो अवश्य जाएं। कार्यस्थल पर समय का पूरा ध्यान रखें और नियम कानूनों का पालन करते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करें। कारोबारियों को अपने ग्राहकों की पसंद और नापसंद का भी गंभीरता से ख्याल रखना चाहिए। युवा वर्ग को माता पिता की बातों का पालन करना चाहिए। हेल्थ में गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों को नियमित तौर पर दवाइयों का सेवन करना नहीं भूलना है। आपके लिए उपाय है, आप हर शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, ओम सम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। कन्या राशि वाले, कन्या राशि के जातकों की पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, शासन सत्ता का सहयोग रहेगा, व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होंगे। भविष्य के लिए नई प्लानिंग करने का समय आ चुका है। इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए दिन उपयुक्त हैं। ऑफिशियल लक्ष्य तक पहुंचने के लिए समय का विशेष ध्यान रखें। कारोबारियों के लिए नुकसान की आशंकाएं हैं। युवाओं को नॉलेज बढ़ाने के लिए प्लानिंग करनी होगी। विद्यार्थी परीक्षाओं को देखते हुए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दें। आपके लिए उपाय है, आप ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। तुला राशि वाले, तुला राशि के जातक, व्यावसायिक मामलों में आपकी प्रगति होगी, आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होगा, उपहार व सम्मान में वृद्धि होगी, आपका किया गया पुरुषार्थ भी सार्थक होगा, किसी अतिथि का आगमन होगा, विकल्पों की ओर भी निगाह रखें। कॉस्मेटिक का कारोबार करने वालों के लिए दिन शुभ रहेगा। ग्राहकों की पसंद और नापसंद पर विशेष ध्यान दें। विद्यार्थी पढ़ाई के अलावा एक्टिविटी क्लास भी ज्वाइन कर अपनी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करें। अपनों की मदद से आर्थिक समस्याओं का समाधान खोज पाएंगे। खुद को सक्रिय रखते हुए परिवार के साथ सहयोग बनाए रखें। आपके लिए उपाय है, आप ओम भगवाय विदमहे मृत्युरूपाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। वृश्चिक राशि वाले, वृश्चिक राशि के जातकों को जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य भी मिलेगा। भाग दौड़ रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद रहेगी। खर्च को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। इस सप्ताह आप सभी पेंडिंग कार्यों को पूरा कर दें, अन्यथा वर्कलोड आपका प्रदर्शन बिल्कुल खराब कर देगा। विदेशी कंपनी में नौकरी करने वालों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। विकल्पों की ओर भी निगाह रखें। कॉस्मेटिक का कारोबार करने वालों के लिए दिन शुभ रहेगा। अपनों की मदद से आर्थिक समस्याओं का समाधान खोज पाएंगे। खुद को सक्रिय रखते हुए परिवार के साथ सहयोग बनाए रखें। आपके लिए उपाय है, शाम को अपने घर में गुग्गल का धूप जलाएं। धनु राशि वाले, धनु राशि के जातकों की पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कारोबार में निवेश करना लाभप्रद होगा। फिजूल खर्ची से अपना बजट खराब ना करें, धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करें। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले व्यापारियों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। कला में रुचि रखने वाले युवाओं को प्रदर्शन का बेहतर अवसर मिलेगा। हेल्थ में खान पान में लापरवाही हो सकती है, इससे सेहत अचानक बिगड़ सकती है। परिवार के साथ आनंद भरा दिन बीतेगा। आपके लिए उपाय है, जल में
काले उड़द को प्रवाहित करें। मकर राशि वाले, मकर राशि के जातक अपने गृह कार्य में व्यस्त रहेंगे, रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे, शासन सत्ता का भी सहयोग रहेगा, आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा, गृह उपयोगी वस्तुओं में भी वृद्धि होगी। इस सप्ताह आपको अपनी मानसिक शांति बनाए रखना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि मन में उथल पुथल रहने से आपका प्रदर्शन खराब हो सकता है। फिर भी अगर मन नहीं लग रहा है तो भगवत भजन ही लाभकारी रहेगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ कंपटीशन बनेगा, इससे आपके प्रदर्शन में निखार आएगा। कार्यों को पूरा करने के लिए कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं। सामाजिक छवि और परिवार में सभी के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाने से ही सम्मान मिलेगा। कुछ नशा की वृत्ति हो तो उसका परित्याग करें। आपके लिए उपाय है कि आप सुंदर कांड का पाठ करें। कुंभ राशि वाले, कुंभ राशि के जातकों का दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, व्यवसायिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, व्यक्ति विशेष का भी सहयोग रहेगा और संतान के दायित्व की भी पूर्ति होगी और अपने पुराने मित्रों से भेंट होगी। मन में नौकरी छोड़ने का विचार भी आ सकता है। धैर्य के साथ परिस्थितियों का आकलन करके ही निर्णय लेना ठीक रहेगा। फाइनेंस से जुड़ा काम करने वाले लोग परेशान नजर आएंगे, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। युवाओं को अपनी संगति पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा परिणाम घातक हो सकते हैं। मोबाइल और टीवी का अधिक प्रयोग मानसिक तनाव का कारण बन सकता है, इसलिए इससे समयबद्ध तरीके से दूरी बनाएं। आपके लिए उपाय है कि आप काला कपड़ा और लोहे की कोई वस्तु का दान करें। मीन राशि वाले, मीन राशि के जातक अपने पारिवारिक कार्य में व्यस्त रहेंगे, अधीनस्थ कर्मचारी या पड़ोसी से तनाव भी मिल सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, अतिथि का आगमन होगा। जब तक किसी भी मामले की पूरी जानकारी ना हो उसमें किसी का भी पक्ष ना लें, इससे आपकी सामाजिक छवि को चोट पहुंचेगी। पदोन्नति की भी पूर्ण संभावनाएं बन रही हैं, किसी के भी ब्लाइंड सपोर्टर ना बने। व्यापारी बड़े पैसे के लेन देन में गलती कर सकते हैं, इसलिए वरिष्ठ लोगों की मौजूदगी लाभकारी होगी। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने वाले सावधान रहें। युवाओं के लिए दिन सफलता भरा रहेगा और एलर्जी या इन्फेक्शन होने की भी आशंका है। बुजुर्गों और बच्चों को भी लापरवाही नहीं बरतने के लिए सचेत करते रहें। आपके लिए उपाय है, आप पक्षियों की सेवा करें और उनके लिए सतनजा, सात प्रकार के अनाज और पानी की व्यवस्था करनी सुनिश्चित करें। ओम नमः शिवाय, नमस्कार। अब अगले सप्ताह फिर हाजिर होते हैं नए एपिसोड के साथ। आज के लिए बस इतना ही।